अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उठ गया हूँ, अभी टाइम है 8:30 और मैंने जाना है पेशावर, शॉपिंग वगैरह करना है। तो मैं उठ जाता हूँ, शावर ले लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। अच्छा हेलो, तो मैं रेडी हो गया हूँ, मूसा आया है बाहर मुझे पिक करने, तो हम निकल रहे हैं अभी घर से, पेशावर जा रहे हैं आज शॉपिंग वगैरह करनी थोड़ी सी। अभी एक फौजी हुई है, उसका जनाजा करेंगे, फिर उसके बाद पेशावर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नाजिल हुआ है, देख सकते हैं कोई फौत हो गया है। मूसा इधर जनाजा कर लेगा और मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, फिर मिलेंगे। अच्छा, तो जैसे ही मैं वहां से निकल गया रश में, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बेल्ट जो है ना, ये पड़ गया मेरे ख्याल से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला बेल्ट, ये प्रोग्राम उड़ गया, लेकिन खैर है, अभी भी सही जगह है हम। प्रोग्राम उड़ गया, मैं जैसे ही वहाँ रश से निकल गया ना, तो गाड़ी ने अचानक आवाज़ें शुरू की, मैं डर गया कि क्या हुआ, लेकिन जब देख लिया वहाँ तो वो बेल्ट पट गया था, एक कल ही हमने डलवाया था, लेकिन क्या करें। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारा चेंज पेन हो गया है, पेन चेंज हो गया है, और पेशावर की जगह अब हम जाएंगे मरदान, क्योंकि पेशावर में बहुत ज़्यादा रश होगा। तो मैंने इसे कह दिया कि ब्रांड वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्यों ना मरदान चले जाए, वहाँ पर रश नहीं होता इतना ज़्यादा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज, और हम टाइम से भी आज जा गए हैं, तो इसलिए फिर रोज़ा मुश्किल होगा। तो अब देख सकते हैं, अब हम मरदान के लिए रवाना हो गए हैं मोटरवे पर। तो वहाँ पहुँच कर फिर मैं ब्लॉग में आता हूँ। अच्छा जी, तो हम मरदान पहुँच गए हैं, शकई इंटरचेंज उतरने वाले हैं। मोटरवे से उतरेंगे और फिर एक साइड पे जो है ना शहरा है और दूसरे साइड पे मर्दान है, तो हम मर्दान जाएंगे। यहाँ इतना रश नहीं है, अगर हम पेशावर जाते तो टोल प्लाजे से गुजरने में भी 1 घंटा लग जाता हमारा, तो अच्छा हुआ टाइम पे सोच लिया और मर्दान के का रुख कर लिया हमने। ये आप देख सकते हैं, आराम से उस साइड पे नौशहरा है उस साइड पे, और हम इस साइड जाएंगे मर्दान, मर्दान की तरफ। हमारी गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया है, इसकी मिसाल इस तरह है जैसे गूंगा या आंधा रास्ते पे जा रहा हो, हर कोई सामने आता है, हर कोई सामने आता है, किसी को कुछ नहीं कह सकते। कल पहले थोड़ा थोड़ा काम करता था, लेकिन कल वर्कशॉप पे गए थे ना, जो एसी खराब हुआ था, तो उस बंदे से कहा कि इसको ठीक कर ले, उसने बिल्कुल ही खराब कर दिया है। वेलकम टू मर्दान, हम मर्दान पहुंच गए। मर्दान यहाँ पर पहले लिखा था मुस्कुराइए आप मर्दान में है, वो हटा दिया है अब। वॉइस की शॉपिंग जो है ना वो ऐसी हो जाती है 5 मिनट में, शलवार कमीज पसंद कर लो और खरीद लो। लड़कियां तो मेकअप, लिपस्टिक, क्या कंगन वगैरह, उसके अलावा मेहंदी एंजॉय तो वो करते हैं, ये तो उनका होता है, लेकिन कोई नहीं, हम हम तो लोग कर सिर्फ नहीं ऑक्सीजन सकते। पर तो
ऑक्सीजन जाया कर रहे हैं। तो बस अभी 5 से 10 मिनट में हमारा शॉपिंग हो जाएगा, फिर चरसदा जाएंगे। चरसदा में चरसदा चप्पल जो है ना वो खरीदेंगे उसके लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी वहाँ पर कैसे बनते हैं ये चप्पल। और मशहूर बाजार है वो, तो आप देख लेंगे उसको भी। मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए मेरे साथ। मर्दान में इतना रश है तो पेशावर में क्या होगा, आप देख सकते हैं। ये देखो सारी साइड से बहुत ज़्यादा रश है। तो हमने डिसीजन सही लिया कि मर्दान आ गई, फिर भी सिर्फ इस चौक के साथ रश है और पेशावर के रश से बच गई। ओ तौबा, उसमें जाना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं। लो जी, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर मर्दान में। ये सारे ब्रांड्स है, तो देखते हैं कि हमें मिल जाता है कुछ कि नहीं। तो अभी उतरते हैं गाड़ी से। मुसा क्या कर रहे हो? कपड़े ढूंढ रहे इसमें जो है ना हमने देख ली तो एक भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सारे देखो पुराने पुराने से लग रहे हैं। आइडियाज में आ गए हैं, अगर यहाँ पर कुछ मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। उसमें तो नहीं थे कुछ, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो देखते हैं मिलता है कुछ कि नहीं, अच्छे से मिल जाए। मुझे तो एक ये वाला कलर पसंद आ गया है और एक वो वाला, तो देखते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा। अभी जो है ना दूसरी वाले शॉप में जाएंगे, अगर वहाँ पर मिल जाता कुछ तो ठीक है। तो ये मैंने ड्रेस खरीद लिया है और हम अब वापस जा रहे हैं। तो गाड़ी जो है ना धूप में कड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, तो देखते हैं कि क्या सीन होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतनी गर्मी, ओए होए होए होए, ये तो अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और गाड़ी जो है ना तंदूर बना हुआ है। चिकन सज्जी पकाते हैं ना वो, हमारी सज्जी बन जाएगी अब इतनी ज़्यादा गर्मी है। एसी लगाओ जल्दी जल्दी यार, चलो जाने दो जाने दो। अच्छा, तो मैंने ड्रेस ख़रीद लिया है और अब जाएंगे चरसदा, चप्पल भी ख़रीद लूँ। तो मेरा शॉपिंग कंप्लीट, ये होता है लड़कों का शॉपिंग, 5 से 10 मिनट में सारा कुछ हो जाता है। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे को कह रहा हूँ कि मोटर वे से ही चले जाएंगे, ये नहीं कि जीटी रोड पे जो है ना ब्रेक और जाओ। तो गर्मी है, एसी लगा हुआ है, मोटर वे से ही जाएंगे चिल करके अच्छे से। तो आगे मिलते हैं फिर हम वापस रवाना हो गए मर्दान से। गुड बाय मर्दान, थैंक यू। तो ये हम इंटरचेंज पर पहुंच गए हैं। हमारा 98 करोला का परवाज चरसदा की हमारा 98 करोला का परवाज उड़ान के लिए तैयार। हम एक बार गलत हो गए थे, चरसदा की जगह इस्लामाबाद की साइड से गए थे, फिर वहाँ पर यू टर्न ले लिया। अब जो है ना ये चरसदा ही है सीधा पेशावर और चरसदा, सब चरसदा पहुँच जाएंगे। तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ दिखाऊंगा चप्पल वगैरह। वेलकम टू चरसदा। हम नौशहरा मर्दान से आ गए, ये रास्ता फिर जो है ना नौशहरा जाता है, ये वाला निसत रोड, और ये इस साइड पे हम जाएंगे चरसदा।
join us. देखते रहिए और आगे. अरे सर है ना आपका बिल्कुल. हाँ जी सर है ना आपका बिल्कुल. ये है चरसदा का मशहूर बाजार. ये चप्पल यहाँ पर बनती है ऐसे, ये हाथों से ही बनाते हैं ये लोग. ये आप देख सकते हैं. अब जो है ना ये इसको फिट करेगा. ये इम्पोर्टेड लेदर है ये, तो इसमें पाँव नहीं दुखती, इसमें फोम लगा हुआ होता है यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इसलिए मैं इसे खरीदूँगा. देखते हैं कि मेरे पाँव का मिल जाए. हाँ इन चप्पलों के नाम देखे, जलमी स्मार्ट जलमी. ये हो गया इमरान खान, ये बड़े सोल वाले, और ये जरदारी जरदारी ये जरदारी स्टाइल. ये जो है ना ये सारा मार्केट चारसद्दा चप्पल का है. ये ऊपर दुकानों में रखे जाते हैं और नीचे बनाए जाते हैं. मैं आप लोगों को दिखा देता जैसे ये खातों से बनाते थे, लेकिन अभी ईद है तो सब ने बनाए हैं. इंशाल्लाह ईद के बाद आऊँगा, फिर वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा इंशाल्लाह. अच्छा तो ये होता है लड़कों का शॉपिंग. मेरे चप्पल भी हो गई और कपड़े भी ख़रीद लिए मैंने. आप जो है ना ये कह रहे हैं कि मैं थक गया और मैं ड्राइव कर रहा हूँ. और ये चरसद्दा के बाज़ार से अब हम निकलने वाले हैं. अच्छा तो कल एसी ठीक करने लगे थे, आज हॉर्न काम नहीं करा था मैंने, तो आपको बताया था वो ठीक करवाने के लिए. और वो लॉक नहीं खुल रहा, वो कल ड्राइवर ने जो है ना चाबी तोड़ ली थी इसकी वजह से. कभी दूसरी बनवाई उससे लॉक ओपन नहीं होता, तो दूसरा डलवाएंगे कुछ करेंगे. अब जो है ना वो लगे है इसमें. हॉर्न तो ठीक हुआ लेकिन अब लॉक भी ठीक हो जाए तो. अच्छा जी तो मैं आप लोगों को बता नहीं सका, मैं घर पहुंच गया था खैर खैरियत से. और वो मरजई में हम गाड़ी ठीक करवा रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और बोर हो गए थे, तो इसलिए मैं फिर आप लोगों को नहीं बता सका और लोग भी एंड नहीं कर सका. तो मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पर एंड कर लेता हूँ. मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए मुझे. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.